बेसिकली रीमा मुखर्जी मेरे पास आई थी और मैंने सबसे पहले उनकी फ़िल्म पूरी देखी जब उन्होंने ट्रायल रखा था मेरे लिए। तो फिल्म इतनी खूबसूरत फिल्म है ये, जो रविंद्रनाथ टैगोर के सब्जेक्ट के ऊपर पूरा बेस है, वो बहुत अच्छे रिलेशन के ऊपर उन्होंने फिल्म बनाई है। तो उसमें म्यूज़िक इतना ब्लेंड है, उसमें पूरी पिक्चर में म्यूज़िक उसके साथ चल रहा है और बहुत ही मेलोडियस म्यूज़िक है, इसके लिए हमने उसको ये किया था। अर्धांगिनी का सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, मुझे एक सब्जेक्ट इसका जो सब्जेक्ट लगा इट वॉज फैंटास्टिक एक्चुअली, और उसको इतनी खूबसूरती के साथ उन्होंने डायरेक्ट किया है। एक लेडी डायरेक्टर का ये पहला जॉब है एक्चुअली, रीमा मुखर्जी का पहला जॉब है, और उन्होंने जो आर्टिस्ट लिए हैं जैसे सुबोध जी हैं या सुब्रोत जी है या अपना श्रीलेखा मित्रा है, इन लोगों से ये आर्टिस्ट इतने खूबसूरत है, इन लोगों से जो रीमा ने जो काम लिया है वो इतना खूबसूरत है, इसलिए फिल्म खूबसूरत बनी है। और खूबसूरती के साथ साथ उसमें म्यूज़िक ब्लेंड हो गए। नहीं, वर्षा जी बहुत ही वर्सेटाइल एक्टर है, उन्होंने पहले भी बहुत अच्छा काम किया है। मराठी फिल्म में जब हम लोग मराठी फिल्मों का म्यूज़िक लेते थे तो काफ़ी हमने फिल्में उनके साथ उनकी जिसमें वो हीरोइन रह चुकी है और काम भी किया उनके साथ, तो वो बहुत ही। और बाकी आर्टिस्ट तो मैंने पहली बार ही स्क्रीन पे देखे हैं, जिसमें एक बंगाली एक्टर है, एक मराठी एक्टर है, हीरोइन बंगाली है। तो ओवरऑल जितने भी आर्टिस्ट लिए हैं रीमा ने, उसको बहुत ही खूबसूरती से उनसे काम लिया। देखिए प्रमोट ये मेलेडी है, ये हम लोग कोशिश करेंगे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जितना इसको प्रमोट कर सके, लेकिन इसका बेस ही मेलेडी है, ये कोई मतलब कमर्शियल नाचने गाने वाले गाने नहीं है, ये बहुत मेलेडी है, सूथिंग सुनने हैं, अच्छे लिरिक्स हैं जो आज भी चलेंगे, और आज 10 साल के बाद भी अगर आप सुनेंगे इसको तो आपको लगेगा कि अभी रिकॉर्ड हुआ। तो उसकी इस फिल्म में सारे गाने, जैसे सुखविंदर का गाना है, कविता जी का है, और भी बाकी सिंगर है जो उन्होंने अपने, दिनेश जी का जो म्यूज़िक है बहुत खूबसूरत है, उसमें लिरिक्स राइटर ने भी अच्छा काम किया है। तो मुझे लगता है ओवरऑल ये एक अर्धांगिनी के जो 6-7 गाने हैं वो काफ़ी, हरिहरन का एक गाना है बहुत खूबसूरत, तो बहुत ही लिरिकली बहुत बैलेंस किया हुआ। रीमा जी के लिए इतना ही मैसेज है कि ये फिल्म बहुत खूबसूरत बनाई है, आगे भी वो इतनी खूबसूरत फिल्में बनाएं और लोग उनकी फिल्म जाके थिएटर में देखें, उनको अप्रिसिएशन मिले, क्योंकि ये इनकी पहली फिल्म है, पहली फिल्म के हिसाब से इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो मुझे लगता है कि जो आने वाली जो आगे इनके प्रोजेक्ट है, मेरा ऑल द बेस्ट हो रीमा जी, क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रही है और मेरी बेस्ट विशेस है। For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.